नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक जानकारी बताऊंगी डॉगी के कान के बारे में। ये देखिए, ये मेरे पास जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉगी है। इसका नाम तारा है और सर्दियां होने लग गई हैं तो हम तारा को रात को स्वेटर पहना के सुलाते हैं और सुबह के टाइम पे खोल देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ऊपर करो तारा, नो नो ऐसे नहीं, गंदी बात। ये देखिए, मैंने तारा की स्वेटर खोल दी है। इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ। नो, बाद में खेलेंगे, पहले इधर आओ। ये मस्ती करने के मूड में, इधर आओ। तो मैं आपको बता रही थी डॉगी के कान के बारे में। एक मिनट रुको, नो, गंदी बात। ये देखिए, जब भी आपका डॉगी ऐसे करे तो उनको डांटना भी चाहिए, ज्यादा प्यार अच्छी बात नहीं होती है। ये देखिए, नो मानो नहीं, नो गंदी बात, अच्छे से बैठो, नहीं, सुनते हैं बात। ये देखिए, इस तरीके से हमें उनको प्यार भी करना चाहिए पर प्यार के साथ थोड़ा डांट के भी समझाना चाहिए, वो समझ जाते हैं आराम से। ये देखिए, मैंने अभी तारा को डांट दिया तो आराम से बैठ गई है। मैं आपको बता रही थी कि डॉगी के कान के बारे में। ये देखिए, ये जर्मन शेफर्ड डॉगी है। जर्मन शेफर्ड डॉगी की क्या पहचान होती है कि उनके कान ऐसे हमेशा ऐसे खड़े रहते हैं। ये देखिए, पर जब भी हम इसको प्यार करते हैं तो ऐसे देखिए, ये बहुत समझदार होते हैं। ये इनको प्यार करते हैं तो अपने कान इस तरीके से नीचे कर लेते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं आप, तारा इधर ही रहो एक मिनट, ये देखिए। और अगर आपके डॉगी के कान एक साथ दोनों खड़े नहीं होते हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब हम छोटा पप्पी लाते हैं तो 45 दिन के बाद में ही उनके कान खड़े होने स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे करके उनके कान खड़े हो जाते हैं। और अगर नहीं खड़े होते, एक कान खड़ा हो जाता है एक नहीं होता, तब भी कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से वो थोड़े टाइम लगते हैं, थोड़े दिन बाद में खड़े हो जाते हैं। अगर फिर भी ऐसा नहीं हो तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए हमारे डॉगी को कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये देखिए, इनका प्यार करने का तरीका है ये, जब अपने आप मालिक के साथ खेलते हैं तो अपने कान को इस तरीके से नीचे कर लेते हैं। ये देखिए तारा, नो नो, ये देखिए तारा तो पूरी मस्ती कर रही है। और मैंने बताया, अपने डॉगी का पूरा ध्यान रखिए, उनके साथ खेलिए, मस्ती कीजिए इस तरीके से। और हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।